नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 25 बड़ी खबरें। चार बड़े संस्थानों के सर्वे के अनुसार इकोनॉमी को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय पॉजिटिव। डेटा फर्म यूगो की रिपोर्ट, 48% भारतीयों का भरोसा महामारी जल्द खत्म होगी। अब तक 1 करोड़ के कर्ज में डिफॉल्ट पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, छोटी कंपनियों को होगा फायदा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च में वृद्धि, सभी जिलों में संक्रमण वाली बीमारियों का इलाज के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे। देश भर में एक दिन में कोरोना से 5015 मरीज बढ़े, मुंबई में 20,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज, राष्ट्रपति भवन में ACP पॉजिटिव पाया गया। यात्रा प्रतिबंध और मानसून के कारण IPL के अगले 4 महीने तक होने के आसार कम। मुंबई में 200 किलोमीटर दूर आकर ड्राइवर ने कहा और पैसे दो, मना करने पर ड्राइवर बस खड़ी कर वहीं सो गया। 31 मई को मन की बात करेंगे PM नरेंद्र मोदी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय नागरिक वीजा पर जल्द फैसला लेगी केंद्र सरकार। खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान अम्फान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी। WHO की भूमिका की जांच के लिए 62 देशों के साथ भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है, 12 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में आएंगे। मुख्यमंत्री सम्मेलन में योगी का प्रियंका गांधी पर पलटवार, कहा 3 दिन पहले 1000 बसों की लिस्ट मांगी, आज तक नहीं मिली। CM खट्टर बोले हरियाणा के 4 जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह मिलेगी ढील। गाजियाबाद में महिला और उसकी 2 बच्चियों की संदिग्ध हालत में मौत, भतीजे पर हत्या का शक। प्रवासियों को लेकर एक्टिव बिजनौर पुलिस, रेलवे ट्रैक पर चलाया सर्च अभियान। आप राजनीतिक दल ने लगाया आरोप, कहा प्रवासियों की दुर्दशा पर भाजपा पूरी तरह से जिम्मेदार। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 10,000 के पार, 24 घंटे में 299 केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर के कपड़े उतारने और हाथ बांधने के मामले आने के बाद एक पुलिसकर्मी सस्पेंड। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर मुझ पर फिल्म बने तो उसके हीरो टॉम क्रूज हो। हंस हंस कर लोटपोट हुए भारतीय, कहा देश बेचना पड़ जाएगा। एक्टर जावेद अख्तर ने मजदूरों की स्थिति पर ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी परिवार संग ईद मनाने पहुंचे बुढ़ाना, 14 दिन के लिए हुए क्वारंटाइन। लता मंगेशकर ने शेयर किया 211 गायकों का जैतू जैतू भारतम गीत, पीएम मोदी ने की तारीफ। स्पेन में 2 महीनों में पहली बार कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में मौतों की संख्या में कमी आई है। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में पानी भरने को लेकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल।